जय भास्कर, मैं हिमांशी शर्मा देवेरा बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के गौरव में संस्कृति के प्रतिबिंब तथा आस्था एवं पारिवारिक सौहार्द के प्रतीक पावन पर्व गंगौर पर होस्पिट में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने उपवास रखकर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं खुशियों की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने ईसर गंगौर की कथाएं और खुशहाली की कामना भी की। अखिल पत्रिका के नवीनतम अंक लघु कथा विशेषक का लोक प्राण समारोह संपन्न हुआ। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा झारखंड के तत्वाधान में 14 अप्रैल को रांची में मकबंधु अखिल पत्रिका के नवीनतम अंक लघु कथा विशेषण का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज से पधारे डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी थे। मुख्य अतिथि ने मकबंधु पत्रिका के सामाजिक महत्व को रेखांकित करते हुए उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में मकबंधु पत्रिका के 19 वर्षों के सामाजिक यात्रा के लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रज बिहारी पांड्या ने अपने स्वागत संबोधन में संगठन की मजबूती में पत्रिका की अहम भूमिका बतलाते हुए उसके विभिन्न आयामों पर विशेष रूप में चर्चा की। पत्रिका के संपादक डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा ने लोकप्रिय अंक लघु कथा विशेषण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही पत्रिका के आगमी अंकों पर भी चर्चा की। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर हरिहर प्रसाद पांडे जी ने की थी। शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण निधि समाज अजमेर के द्वारा होली स्नेह मिलन आयोजित। शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण निधि समाज अजमेर के द्वारा गत रविवार 7 अप्रैल को दाता नगर स्थित भास्कर भवन में भास्कर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के सचिव श्रीमान दुर्गेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। दीप प्रज्वलन समाज की समस्त नारी शक्ति द्वारा किया गया। उसके बाद परिचय और फूलों द्वारा होली खेली गई। महिला मंडल के द्वारा फागन के गीत व संगीत का कार्यक्रम हुआ। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्याम बाबा के भजनों की भी प्रस्तुति हुई। छोटे छोटे बाल कलाकारों द्वारा गीत संगीत और नृत्य का भी प्रस्तुति किया। महाउत्सव का आकर्षण का केंद्र ही ईसर गौरी भगवान की जोड़ी जिसे कुमकुम और रोशी शर्मा ने प्रस्तुत की। देश विदेश में जिसने नाम रोशन किया विनोद शर्मा माइंड एबिलिटी एक्सपर्ट, उन्होंने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। किशनगढ़ विजयनगर पुष्कर और ब्यावर से पधारे गए सभी समाज बंधुओं ने भी फागन महोत्सव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महोत्सव का उद्देश्य ब्राह्मण की एकता, समाज में मिलनसार आपसी मतभेदों को दूर करने रहा है और समाज का उत्थान किस तरीके से किया जाए। इस कार्यक्रम में सभी ने मिलजुल कर भगवान भास्कर की श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करा। सचिव दुर्गेश शर्मा ने बताया कि सभी समाज बंधुओं ने मिलजुल कर आरती की। इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके पश्चात भोजन प्रसादी का आयोजन करके कार्यक्रम का समापन किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी समाज बंधुओं को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया गया। प्रियंका शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त। समाज के लिए गौरवपूर्ण समाचार है कि उदयपुर निवासी डॉक्टर अंकुर शर्मा एमडी की धर्मपत्नी प्रियंका शर्मा को अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर के एंटोनॉमी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनकोलॉजी के पद पर नियुक्त होकर समाज का गौरव बढ़ाया। प्रियंका शर्मा एवं उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं।
राजस्थान से प्राप्त समाचारों के अनुसार आसीवाल गोत्र की कुल देवी जाकोड़ा माता मंदिर की कलश स्थापना एवं ध्वजा का 2 दिवसीय कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। सुमेरपुर के पास जाकोड़ा माता मंदिर का जीर्णोद्वार पूर्ण करवाकर कलश एवं ध्वजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीर्णोद्वार के लाभार्थी प्रकाश चंद, रतन लाल, ललित शर्मा आसीवाल रहे। श्री ललित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में काफी समाज बंधुओं ने एवं संपूर्ण गांव वासियों ने भाग लिया। हैदराबाद से प्राप्त समाचारों के अनुसार शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण संघ महिला मंडल के संयोजक ललिता शर्मा, पायल आशीवाल, मालती शर्मा, रीना छापरवाल एवं सभी महिलाओं द्वारा मंगलवार को बीसागनगर समाज भवन बैंक स्ट्रीट पर गंगोर महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में राजस्थानी ब्राह्मण सभा के महासचिव रामदेव नांगला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए चेयरमैन विक्रम आशीवाल, अध्यक्ष मुकेश शांडलिया, संयोजक मंडल के संतोष शर्मा, राजेश शर्मा एवं अनेक गणमान्य उपस्थित थे। मालेगांव महाराष्ट्र से खबर मिली है कि मालेगांव में बड़े ही हर्षोल्लास से गंगोर महोत्सव मनाया गया। महिला मंडल द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 17 अप्रैल को श्री रामनवमी के उपलक्ष में श्री सूर्यनारायण मंदिर शिवाजी नगर बैंगलोर में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री सीताराम अंजनिया स्वामी मंदिर द्वारा भगवान की भव्य रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। रथ यात्रा में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रथ यात्रा में शाकद्वीपीय समाज की तरफ से जय भास्कर युवा मंडल ने जूस वितरण कर सेवा का लाभ लिया। बिहार के भोजपुर जिले के सहार और आंधरी गांव में की गई भव्य गंगा आरती। रांची के पीयूष पाठक की मंडली की सामूहिक प्रस्तुति से मग ब्राह्मणों में उत्साह। गंगा के मुख्य साहब नंद सोम किनारे बने सूर्य मंदिर परिसर में दोनों गांवों के लोगों ने आरती के लिए मग ब्राह्मणों के प्रति आभार जताया। शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा चेन्नई के तत्वदान में सूर्य मंदिर चेन्नई में स्वर्गीय मूलचंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती पारसी देवी, घनश्याम जी, तिलक राज जी, रितेश एवं हर्ष सावलेरा परिवार की तरफ से सूर्य भवन चेन्नई में पानी निकालने की मशीन और सूर्य भगवान, उनकी पत्नी छाया और संध्या तथा भगवान गणपति हेतु चांदी के तिलक सप्रेम भेंट कर लाभ लिया। इस मौके महासभा सचिव श्री सत्यनारायण जी शर्मा एवं संयुक्त सचिव श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा उपस्थित थे। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का लाभ किसी समाज बंधुओं को मिलता है। इस संदर्भ में भास्कर यात्री निवास बैंगलोर की सुविधा का लाभ पटना के पधारे हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाठक एवं उनके सुपुत्र कार्तिक पाठक ने लिया है, जो इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए बैंगलोर आए हुए है। भास्कर यात्री निवास में उनका शॉल एवं माला के साथ स्वागत किया गया। चेन्नई से प्राप्त समाचारों के अनुसार शाकद्वीपीय यूथ स्पोर्ट्स क्लब चेन्नई द्वारा आयोजित शाकद्वीपीय बॉक्सिंग क्रिकेट टूर्नामेंट चेन्नई के चूले एसपीआर मैदान में दिनांक 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आयोजित हुआ। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम ने 3-3 मैच खेले, उसमें से 4 टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची। सेमीफाइनल्स का पहला मैच सावेलेरा सुपर किंग्स वर्सेस सेवक सुपर किंग्स के बीच हुआ, जिसमें सेवक सुपर किंग्स ने जीत हासिल की। दूसरा मैच एजी बॉयज वर्सेस अग्रेसिव वॉरियर्स के बीच हुआ, जिसमें अग्रेसिव वॉरियर्स ने जीत हासिल की। विजेता टीम के कप्तान प्रवीण शर्मा एवं रनर अप टीम के कप्तान कार्तिक शर्मा रहे। दोनों टीम के कप्तानों को कप प्रदान किया गया एवं बाकी हर टीम मेंबर को मोमेंटम प्रदान किया गया। समाज बंधुओं ने स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन श्री चेनराज भरतानी, अध्यक्ष श्री विनोद भरतानी, सचिव श्री गिरीश हटीला,
कोषाध्यक्ष श्री ललित आशीवार और कमेटी मेंबर श्री रमेश शर्मा, श्री अनिल शर्मा एवं श्री धीरज शर्मा को शानदार टूर्नामेंट आयोजित के लिए धन्यवाद किया। आयोजन स्थल पर सुबह अल्पहार, दोपहर भोजन एवं शाम की हाई टी की व्यवस्था की गई। दर्शनधारी में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने, महिलाओं ने एवं बच्चों ने क्रिकेट का आनंद लिया। मकबंधु पत्रिका के अंक में प्रकाशित आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी का जीवन परिचय और नव प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंदिर का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया गया है। मकबंधु ने सूर्य नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन को सराहा है। भामाशाह श्री सुनील शर्मा जी द्वारा शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के सामसाहिक कार्य एवं कार्यक्रमों को समाज के सामने प्रस्तुत करने के पावन उद्देश्य से शुरू की गई जय भास्कर समाचार सेवा। झारखंड से प्रकाशित सामाजिक पत्रिका ने सराहना करते हुए अनुमोदना की है, जिसके लिए मकबंधु संपादक मंडल का आभार। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान सर्वोपरि है। ठीक इसी प्रकार से तमिलनाडु, बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा लोकसभा क्षेत्रों में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के मतदाता बंधुओं ने उत्साहित होकर किया मतदान। स्थानीय सम्मान और राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर किया मतदान। वहीं जो पहली बार वोट देने आए समाज के युवा मतदाताओं ने भी पहली बार मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर खुशी का इजहार किया। कृपया कर इस चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें। मैं हिमांशी शर्मा अब आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। जय भास्कर।